पब्लिक टीवी आपकी आवाज। भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले शनिवार को मुरादाबाद विकास प्राधिकरण कार्यालय पहुंचे किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन एमडीए उपाध्यक्ष को सौंपा और भूमि अधिग्रहण को रद्द करने की मांग दोहराई। शनिवार को मुरादाबाद विकास प्राधिकरण कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर रहे किसानों का कहना था कि मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा 11 गांव की भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है और किसानों की सहमति नहीं ली जा रही। किसानों को बेवजह परेशान किया जा रहा है। अगर भूमि अधिग्रहण को रद्द नहीं किया जाता तो किसान आंदोलन करेंगे। प्राधिकरण वालों ने, हमें लगता है कि जो छोटे छोटे किसानों की जमीनें ये लेना चाहते हैं, 11 गांव की जमीन लेने की बात करते हैं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। किसानों का इसमें भारी नुकसान होगा। हम ये कहते हैं जहां सरमायादारों की हजारों हजारों बीघे ज़मीनें खाली पड़ी हैं, वहां पर नया शहर बसाओ, वहां अपनी योजना लागू करो। इस संबंध में बिंदुवार हमने इन्हें ज्ञापन दिया है और इन्हें ये चेतावनी भी दी है कि अगर इनकी गतिविधियाँ आगे बढ़ने से नहीं रुकेंगी तो हमारा उग्र आंदोलन होगा, बड़ा आंदोलन होगा। अच्छा, किन विषयों पर आज सहमति बनी है, किन किन विषयों को रखा गया है? हमारी मेन बात यही है कि जब किसान जमीन देने को सहमत नहीं है तो आप ये अपना प्रयास बंद करो। अगर इनकी गतिविधियाँ जमीन हड़पने की रहेंगी तो किसान इसका लगातार विरोध करेंगे और भारी विरोध करेंगे। अब 5 जिलों के पूरे मंडल के किसान अगर जरूरत पड़ी तो जैसे ही इन्हें देखेंगे कि ये आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ इन्हें घेरा जाएगा और उसके बाद जरूरत पड़ी तो पूरा प्रदेश ही इकट्ठा होगा। ये किसानों की जमीनें सस्ते में लूटने नहीं दी जाएंगी। वहीं मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष शैलेश कुमार द्वारा कहा गया कि मुरादाबाद विकास प्राधिकरण किसी भी किसान की कोई जमीन जबरन नहीं ले रहा। प्राधिकरण उन्हीं किसानों की जमीन ले रहा है जो किसान सहमति के आधार पर जमीन दे रहे हैं। अवैध निर्माण को लेकर मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा कार्रवाई की जा रही है। वहीं मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की सीमा के अंतर्गत जो भी क्षेत्र आता है उस क्षेत्र में मानचित्र की स्वीकृति के बिना कोई भी निर्माण नहीं होने दिया जाएगा। लगातार गांव-गांव हमारी टीमें जा रही हैं और माइक के द्वारा अनाउंसमेंट कराया जा रहा है ताकि जनमानस को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। किसान यूनियन की ओर से कुछ प्रतिनिधिगण हमारे पास आए थे, बड़े ही सौहार्दपूर्ण माहौल में बातचीत हुई है। हमारे 20 अधिकारीगण मौजूद थे और साथ में हमारे जो किसान यूनियन के भी साथी थे वो भी मौजूद थे। वार्ता हुई, उनको हम लोगों ने बिल्कुल साफ लहजे में भी बताया और उनके जो डाउट्स थे उसको भी क्लियर किया। जैसा कि हमारे बोर्ड ने निर्णय दिया है कि केवल आपसी सहमति के आधार पर ही किसानों से भूमि क्रय की जाएगी। इस हेतु हमें अभी विगत दिवस जियो भी हो गया है, 200 करोड़ रुपए मुरादाबाद विकास प्राधिकरण को मिल रहे हैं। तो हम लोगों ने सारी चीज़ों के बारे में उनको बताया भी और उनकी बातों को भी बड़े गौर से सुना। मैं आपके माध्यम से भी इस बात को पुनः दोहराना चाहता हूँ कि किसी भी दशा में किसी भी भूस्वामी का, किसान का नुकसान करने का या उनको हानि पहुँचाने का मुरादाबाद विकास प्राधिकरण का कोई उसकी मंशा नहीं है। और उनकी ज़मीन का उनको सही रेट मिले, जो अवैध प्लॉटिंग करके या उस तरह से उनकी भूमियों का दुरुपयोग कर रहे हैं या उनको जो है कम दाम देते हैं, उसके बजाय जो है उस पूरे क्षेत्र का सुनियोजित विकास हो और वहाँ पर अवस्थापना सुविधाएं आए, शहर को एक नई टाउनशिप मिले, इसके लिए मुरादाबाद विकास प्राधिकरण प्रयासरत है। और एक बड़ी संख्या में लोगों के द्वारा हमें वहाँ पर सहमति भी दी गई है। अधिकतर लोग इस बात का वेट कर रहे हैं कि हम लोग उनको रेट डिक्लेयर करके उनको रेट बताएंगे तब वो आगे बढ़ेंगे, तो हम लोग उसी डायरेक्शन में भी कदम बढ़ा रहे हैं। शेष कई लोगों के द्वारा बीच में अवैध निर्माण शुरू किए गए थे तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। बहुत सारे लोगों ने भोले वाले लोगों को उनका फ़ायदा उठाते हुए उनको अवैध रूप से प्लॉटिंग इत्यादि बेची हैं, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की है और ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। केवल यही है कि जो किसान भाई ग्रामीण क्षेत्र के अंदर अपने गांव के अंदर किसी प्रकार का निर्माण कर रहे हैं उसको हम लोगों ने पहले भी प्रॉमिस किया था और अभी भी कहते हैं कि किसी का जो घर है उस पर किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो पाएगा और अगर वो खेती करना चाहते हैं उसमें भी कोई व्यक्ति उनको जाकर के नहीं चढ़ेगा। केवल जो अवैध निर्माण हो रहा है उसके खिलाफ हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।